दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 का दिन था। बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल एक जैसे कपड़े और एक ही तरह से बैठे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 2300 डेलीगेट्स से भरा हुआ था। मौका था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना यानी CPC के सम्मेलन का। CPC चीन की अकेली पॉलिटिक्स पार्टी है। कम्युनिस्ट क्रांति के नाम पर यही पार्टी 1948 के बाद से चीन की सत्ता पर काबिज है। 5 साल में एक बार होने वाले CPC के इस सम्मेलन में चीन के सभी बड़ी फैसलों पर मुहर लगनी थी। उद्घाटन भाषण देने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंच पर पहुंचने का समय होने वाला था, तभी हॉल के बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया। वीडियो 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प का था। इसमें चीनी सेना के कमांडर कोई फबाव आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों की तरफ हथियार तान नजर आ रहे थे। कोई कोई सम्मेलन में बतौर डेलीगेट्स बुलाया गया था। इस एक सीन ने भारत को लेकर चीन के मंसूबों को साफ कर दिया। इसके बाद 9 दिसंबर की रात को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीनी सेना के बीच झड़प हुआ, जहां चीनी सैनिकों ने LAC पार कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। 1949 में चीन के नेता माओ ने कहा था कि हथेली और पांचों उंगलियों का लेने का वक्त आ चुका है। आपको बता दें कि हथेली का मतलब है तिब्बत, जबकि पांच उंगलियां हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल। 2 साल बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1962 की जंग से पहले भी 1959 से चीन ने भारत के साथ साथ छोटी छोटी झड़पें करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद 1962 में भारत पर पूरा युद्ध थोप दिया गया था और अभी चीन यही करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद से ही माना जा रहा है कि 2027 तक भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, जिसे देखते हुए भारत ने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। प्रलय मिसाइल की तैनाती की मंजूरी के मिलने के बाद अब जल्द ही भारतीय सरकार भारत के 2 नए हथियारों को चीनी सीमा पर तैनात करने की मंजूरी दे सकती है। दरअसल रक्षा मंत्रालय इस सप्ताह के आखिर में होने वाली बैठक में चीन सीमा पर तैनाती के लिए हल्के टैंकों पर सेना के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव की चर्चा करने वाली है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तरीय बैठक में मेक इन इंडिया के तहत इनमें से 354 टैंक खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। इन हल्के टैंकों का नाम जोरावर जनरल के नाम पर रखा गया है, जिसने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था। अब उस हिस्से पर चीनी सेना का नियंत्रण है। दरअसल भारतीय सेना के पास जो फिलहाल टैंक हैं, वो समतल जमीन और रेगिस्तान के लिए हैं, चाहे फिर रूसी T-72 हो या फिर T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक। ये सभी टैंक 45 से 70 टन वजनी है, जबकि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक करीब 25 टन के होंगे। चीन से सटी LAC पर तैनात करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में T-72 और भारी भरकम टैंक के लिए LAC पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हल्के टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन भी लैस होंगे। ये हल्के टैंक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से भी निकल सकते हैं। आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर पहले से ही लाइट टैंक तैनात कर रखा है। भारतीय सेना ने भी T-72 टैंक यहां पर तैनात किए हुए हैं, लेकिन चीन की हरकतों को देखकर भारतीय सेना अब तेज मूवमेंट के लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक को सीमा तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही भारत ने पहले ही अपना एक और घातक हथियार चीन से लगी सीमा पर तैनात कर दिया है। हम बात कर रहे हैं DRDO द्वारा बनाए गए तपस ड्रोन की। तपस ड्रोन को एरियल सर्विलांस के लिए टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201 या तपस BH-201 के नाम से भी जाना जाता है। यह मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ने वाला भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है। इसे भारत के एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADA ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया है। तपस UAV की पहली उड़ान नवंबर 2016 में हुई थी। अक्टूबर 2010 में DRDO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर को भारत के रुस्तम ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक बेंच मार्क की तरह देखा जा रहा है, जिसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तपस ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया था। जिस तरह अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को निगरानी से लड़ाकू ड्रोन में बदला है, वैसे ही भारत ने रुस्तम ड्रोन पर कई बदलाव करके रुस्तम BH-201 का निर्माण किया है। दोस्तों भारत का तपस BH-201 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। इसके लंबाई 9.5 मीटर और पंखों की चौड़ाई 20.6 मीटर है। तपस ड्रोन का खाली वजन 1800 किलोग्राम का है। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए प्रोटोटाइप में 2 NPO सैटन
3.6 टर्बो फैन इंजन को पंखों पर लगाया गया है। इसमें से प्रत्येक इंजन 100 हॉर्स पावर की ताकत देने में सक्षम है। लेकिन अब प्रोडक्शन में गए तपस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी VRDE के द्वारा बनाए गए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से प्रत्येक इंजन तपस को 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। तपस ड्रोन की अधिकतम रफ्तार 224 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर के रेंज में निगरानी और हमला कर सकता है। एक बार उड़ान भरने के बाद यह ड्रोन 24 घंटों तक अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर मंडरा सकता है। इस ड्रोन के 75% पुर्जे भारत में बने हैं। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि एक बार शामिल हो जाने के बाद टपस ड्रोन विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता होगा। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।